साथियों नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मित्रों इसको DFCCIL के नाम से जाना जाता है और यह हमारे देश का उपक्रम है, भारत सरकार का, रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य है साथियों, आज के समय में ये पटरियाँ बिछाने का कार्य कर रहा है, मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक, एक ट्रैक बिछाने का कार्य हो रहा है ताकि माल जो है अभी जो टाइम पे नहीं पहुंच पाता है वो सुगम और सही समय पर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, पूरे देश में इसका कार्य चल रहा है, अलग से ही एक ट्रैक मालगाड़ी का निकाल रहा है, वो निकाल रहा है DFCCIL। इसमें साथियों वैकेंसी आई है, जो वैकेंसी आई है उसमें हम बात करते हैं। ITI वालों के लिए और डिप्लोमा होल्डर दोनों के लिए यहाँ पर अच्छी वैकेंसी है। साथियों इसका कॉरपोरेट हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, कॉरपोरेट हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी यूनिट है वो यहाँ पर अंबाला है, मेरठ है, आगरा जो टूंडला के नज़दीक है, प्रयागराज है, दीनदयाल उपाध्याय नगर जो स्टेशन है, और कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, बड़ोदरा, अजमेर, जयपुर, नोएडा, यहाँ पर इसकी यूनिटें स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपकी पोस्टिंग इन यूनिटों में कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथ ही, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 20 तारीख से यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो गए हैं, 20 मई से 26 जून तक ये लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का, और आप 19 जून इसका लास्ट डेट है। 19 जून के बाद साथियों आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा 26 से लेकर 30 जून तक। ठीक है, इसमें आप करेक्शन कर सकते हो अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई तो। साथियों स्पष्ट यहाँ पर एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है, 3 चरणों में यहाँ पर एग्ज़ाम होगा साथियों। फर्स्ट चरण जो CBT 1 होगा वो अगस्त में ले लिया जाएगा, सेकेंड जो चरण है एग्ज़ाम का वो आपका सेकेंड स्टेज वो होगा दिसंबर 2023 में, और साथियों एप्टीट्यूड टेस्ट ये सबके लिए नहीं है, ITI होल्डर बच्चों के लिए ये नहीं है, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर के लिए भी नहीं है, और जिसमें है ग्रेजुएशन मांगा गया है तो उन बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्टों का वो होगा सिर्फ मार्च 2024 में। ठीक है, तो ITI वाले बच्चों के लिए सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड स्टेज है, डिप्लोमा होल्डर के लिए यही स्टेज जो है, तो आपका फर्स्ट स्टेज जाएगा अगस्त 2023 में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें बातें करें कैसे अप्लाई करें, तो ये तो कोई विशेष बात नहीं है, आप जो फॉर्म में अप्लाई करते हो दूसरे उसी प्रकार इसको करना है वेबसाइट पर जाके। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों ये, आप जब भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जाइए, यहाँ पर खोलिए। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है साथियों, सैटरडे संडे और हॉलीडे के अलावा कभी भी 10 से 5 बजे के बीच में इन नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हो, आपको यहाँ पर सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब पोस्ट डिटेल हम पढ़ लेते हैं। पोस्ट डिटेल यहाँ पर एक मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है ये डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ITI होल्डर के अभ्यर्थियों के लिए। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ITI होल्डर अभ्यर्थियों की बात करते हैं, फिर बाद में हम डिप्लोमा होल्डर कर लेंगे। ठीक है, अब साथियों ये वैकेंसी आ गया, देखो ITI होल्डर अभ्यर्थियों के यहाँ पर पोस्ट दी है जूनियर एग्जीक्यूटिव की दी गई। साथियों देखो इसके लिए यहाँ पर बेसिक इनका 25,000 से 68,000 ये इनका स्केल रहेगा, N5 IDA इंडस्ट्रियल DA यहाँ पर लागू होगा। क्या मांगा गया है साथियों, इलेक्ट्रिशियन जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, इसमें जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिशियन से ITI की गई वो बच्चे यहाँ पर एंटाइटल हैं, और दूसरे जैसे कि इलेक्ट्रिशियन के अलावा वायरमैन इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इनसे जो ITI कर रखी है वो बच्चे यहाँ पर एंटाइटल हैं। इसके अलावा सर लिफ्ट एंड एस्केलेटर मशीन से ITI की हुई है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से ITI की है वो बच्चे भी यहाँ पर एंटाइटल हैं। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ITI की है वो बच्चे भी एंटाइटल हैं। तो आप ITI कौन से एंटाइटल हैं कौन से नहीं उसके बारे में आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी ITI है वो यहाँ पर लिखी हुई है साथियों, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिफ्ट वगैरह जो भी हैं वो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 10th में आपके 60% होना जरूरी है, ठीक है, 10वीं में अगर आपके 60% है और आपने 2 साल की ITI कर रखी है, आपके ITI SCVT NCVT दोनों में से कोई चीज़ दोनों ही यहाँ पर चलेगी। ITI में भी आपके मिनिमम 60% होना जरूरी है, अगर इससे कम है तो आप ये फॉर्म भर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो आपको पोस्ट मिलेगा साथ ही उसका टोटल वैकेंसी 24। ठीक है, अगली जो वैकेंसी है उसकी बात करते हैं हम जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जूनियर एग्जीक्यूटिव साथियों इसे है टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन SNT का वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, 148 पोस्ट है साथियों, बम्पर वैकेंसी है। दूसरी एग्जीक्यूटिव की हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की तुलना में, एक इलेक्ट्रिकल की तुलना में 148 यहाँ पर वैकेंसी, यहाँ पर रिजर्वेशन वाइज यहाँ पर डिवाइडेड की गई है, जनरल की 62 है, SC की 22 है, ST की 11 है, OBC की 39 है, और EWS की 14 वैकेंसी, एक्सर्विसमैन और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की भी यहाँ पर दी हुई है। साथियों इसमें भी सेम है क्राइटेरिया कि यहाँ पर 10th में 60% से आपके कम नहीं होना चाहिए, तो ये बात आप ध्यान रखें, जिन बच्चों के 60 से कम है वो यहाँ फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो ऐसे बच्चे जिनके 60 से ज़्यादा हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि
आधे से ज़्यादा जो बच्चे वो यहीं डिस्क्वालीफाई हो गए हैं दोस्तों। दूसरा क्या है साथियों, 2 साल का आईटीआई मांगा गया है। आईटीआई में एससीबीटी एनसीबीटी कोई भी चलेगा। अब ये बात आप ध्यान रख लें कि आईटीआई क्या मांगा गया है नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए। नॉन एग्जीक्यूटिव सिग्नल के लिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भी चलेगा साथियों। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन से अगर किसी ने आईटीआई की वो भी चलेगा। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई की है वो भी यहाँ पर एंटाइटल है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से की है वो भी एंटाइटल। फिटर भी यहाँ पर एंटाइटल है। वायरमैन एंटाइटल है। इलेक्ट्रिशियन एंटाइटल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिन बच्चों ने आईटीआई की वो बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ये और सिस्टम मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो मैंने बता दिया आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड मेंटेनेंस मतलब ये ITESM से जिसने आईटीआई की वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। परंतु आईटीआई में भी 60% से कम उनके नहीं होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखिए, 10th में भी 60% मांगा गया है और आईटीआई में भी 60% आपको मांगा गया है, ठीक है। सिग्नल में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर बहुत सारे आईटीआई दे दिए, आप यहाँ पर इसका अध्ययन कर लें। अगर आप इनमें से किसी भी आईटीआई से आपने आईटीआई की तो आप जरूर यहाँ पर फॉर्म भरें। अगला वैकेंसी साथ ही जूनियर एग्जीक्यूटिव का, वो है मैकेनिकल के नाम से। 9 पोस्ट है दोस्तों, मात्र 9 पोस्ट है। इनमें कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं वो आप यहाँ पर एक बार अच्छी तरह देख लें। मेट्रिकुलेशन में वही साथियों, 10वीं में 60% होना अनिवार्य। 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए आपके पास। एससीबीटी कोई भी चलेगा, एनसीबीटी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों अथवा लगा के मेट्रिकुलेशन 60% मांगा गया है, वह सेम चीज़ है। अगर आपने 1 साल का आईटीआई किया गया है तो वह भी यहाँ पर एंटाइटल है एससीबीटी से। किस में होना चाहिए साथियों, या तो वेल्डर में और प्लम्बर से अगर आप आईटीआई हो तो भी आप यहाँ पर मैकेनिक का फॉर्म जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल से आप फॉर्म भर सकते हैं। प्लम्बर और वेल्डर भी यहाँ पर 1 ईयर वाले भी यहाँ पर एंटाइटल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। और 2 साल वाले तो यहाँ पर एंटाइटल हैं सही, परंतु 1 ईयर वाले भी यहाँ पर एंटाइटल है सिर्फ और सिर्फ जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में, ठीक है दोस्तों। वेल्डर और प्लम्बर 2 आईटीआई यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इससे कोई इससे इंस्ट्रक्शन नहीं है साथियों। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पर जितने आपके पास क्वालिफिकेशन है वह 19 जून के पहले पहले आप आईटीआई पास हो जानी चाहिए। आपका जो भी योग्यता है 19 जून से पहले की हो जानी चाहिए। अगर आप APR कैंडिडेट हैं, आप आईटीआई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म ना भरें, स्पेशली लिख रखा है। अगर आप भर देते हैं तो आपका पैसा जाएगा, बाद में लोग आपको निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है वहाँ पर डिग्री वाले बच्चे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, परंतु जहाँ पर आईटीआई मांगी गई है वहाँ पर डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर जहाँ डिप्लोमा जहाँ पर मांगा गया है वहाँ पर क्या है साथियों, BE, BTEC या BSc इंजीनियरिंग अगर किसी ने की है 60% मार्क्स से वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसी प्रकार मैं आपको आईटीआई वाले बच्चों का भी बता देता हूँ। देखिए आप पढ़िए, 4 पोस्ट ऑफ आईटीआई कोर्स जहाँ पर आईटीआई कोर्स मांगा गया है वहाँ पर अगर BE, BTEC या डिप्लोमा होल्डर रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन परंतु अगर उन पर आईटीआई नहीं है और अगर डायरेक्ट उन्होंने डिप्लोमा या बीटेक किया गया है तो यहाँ पर आप पढ़िए इसको आराम से। यहाँ पर लिखा गया है कि सेल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अप्रेंटिसिप कोर्स वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई नहीं किया और आपने डायरेक्ट अप्रेंटिसिप किया है तो वो बच्चे भी यहाँ पर एंटाइटल है, ठीक है दोस्तों। और कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, और हो है तो मैं आपको बताता हूँ। एज लिमिट जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, एज लिमिट साथियों जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 30 दोनों ही में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में 18 से 30 उम्र मांगी गई है। और आप एज पर जो गवर्नमेंट का रूल है 5 साल का STSC के लिए छूट मिलेगी और OBC के अभ्यर्थी के लिए 3 साल छूट मिलेगी, वो छूट यहाँ पर भी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और वर्टिकल रिजर्वेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही उपक्रम है साथियों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रिजर्वेशन यहाँ पर चलेगा जो वहाँ पर दिया जाता है। और EWS OBC के लिए बताया गया, तो ये तो कोई स्पेशल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ साथियों। यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। ये देखो साथियों, फर्स्ट स्टेज जो है आपका एग्ज़ाम होगा, ये भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज एग्ज़ाम सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेज एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज में आपको 20 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, 1/4 आपका माइनस मार्किंग होगा। नींद की कोई मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट में ये ओनली सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का होगा, फाइनल मेरिट में ये मतलब इनका नंबर नहीं जुड़ेगा। जो सेकंड स्टेज है इसी का आपका मेरिट बनेगा और इसी से आप जॉब लोगे दोस्तों, ठीक है। सेकंड स्टेज में कितने 20 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे साथियों, सॉरी फर्स्ट स्टेज में उन बच्चों का, यहाँ पर सेकंड स्टेज में 20 गुना बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो
एप्टीट्यूड टेस्ट है डिप्लोमा और आईटीआई वाले बच्चों के लिए ये नहीं, उसमें 8 गुना बच्चे और सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है दोस्तों, सेकेंड स्टेज में 8 गुना बच्चों को पास करके उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, पर ये आईटीआई की नहीं है। और आपकी कम्युनिटी के हिसाब से, जो आपका रिजर्वेशन के हिसाब से आपकी मेरिट यहाँ पर बनेगी साथियों। अब देखो जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी है उसमें आप देखो क्या आएगा साथियों। फर्स्ट स्टेज सीबीटी में सिर्फ मैथ आएगी 30 नंबर की, तो जिस बच्चे की मैथ और रीजनिंग सही है वो बच्चा इस पेपर को पास करेगा। और रीजनिंग आएगी साथियों 30 नंबर की, बाकी जनरल नॉलेज आपका आएगा जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, 15 नंबर की साइंस आएगी, और रेलवे की जो नॉलेज है DFCCL रेलवे के बारे में वो आएगा मात्र 10 नंबर का। ठीक है साथियों, 120 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, वैसे 90 मिनट दिए जाएंगे सॉरी, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। सेकंड स्टेज जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें साथ ही 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मिनट आपको मिलेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 160 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल EWS को 40% मार्क्स आना अनिवार्य है पास होने के लिए। SC और OBC को 30% और SC को 25% मिनिमम मार्क्स चाहिए। अगर इससे कम है तो आप किसी भी आगे जो प्रोसेस में भाग नहीं लिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है साथियों, और यहाँ पर जो सबसे जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो यहाँ पर यह है कि यहाँ को जो फीस है वो बहुत ही हाई रखा गया है साथियों। आईटीआई वाले अभ्यर्थी इतनी फीस को अफोर्ड नहीं करते। यहाँ पर फीस है इनका 1000 रुपये रखा गया है, तो उसके बारे में यहाँ पर साथियों एग्ज़ाम सिटी है, एक फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम सिटी, आप यहाँ पर आसानी से देख लो, ये आपके आज नज़दीक हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि साथियों ये आप देख सकते हो आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली और धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरनगर, नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विशाखापट्टनम। साथियों आप 3 सिटीज़ में चूज कर सकते हो जो आपकी बिल्कुल नज़दीक हैं, तो आप अगर आप नज़दीक हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम होगा साथियों वो 4 महानगरों में ही होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, जो जैसा कि मैं आपको बता था एग्जामिनेशन फीस साथियों, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, एक आईटीआई होल्डर अभ्यर्थियों के लिए ये फीस बहुत ज़्यादा है। एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव जनरल ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए साथियों 1000 रुपये फीस ली जा रही है, जो एक गरीब बच्चे के लिए बहुत बड़ी फीस मानता हूँ मैं, तो इतना फीस नहीं रखना चाहिए था, परंतु अभी रख दिया, तो आप फॉर्म भरना है तो साथियों फीस देना पड़ेगा। और रिजर्वेशन अभ्यर्थी जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए कोई फीस नहीं है, और तो उनको तो ये फॉर्म भरना ही चाहिए साथियों जो रिजर्व कैटेगरी है। रिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थी फॉर्म ज़रूर भरें दोस्तों, क्योंकि उनका 1000 फीस में काफ़ी बच्चे फॉर्म ये नहीं भर पाएंगे। ठीक है, CBT का इंस्ट्रक्शन ये तो कोई विशेष बात नहीं है, और साथियों इसमें ये फॉर्म दे रखे हैं आपके जो ST SC और OBC का जो सर्टिफिकेट वो दे रखे हैं, कोई विशेष नहीं है। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ गया होगा, कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।